लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रायगढ़ में दिनदहाड़े एटीएम लूटपाट वाले मामले में आईजी दीपांशु काबरा की एंट्री। अपराधियों को पकड़ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और तेज। जिले के कोतरा रोड थाना अंतर्गत किरोड़ी मल नगर में दिनदहाड़े लगभग 13 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात तकरीबन 2 बजे के समीप निकल कर सामने आई है, जिसके बाद से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मौके वारदात पर एडिशनल एसपी सहित तमाम थाने के टीआई एवं भारी संख्या में पुलिस बल नजर आए। अचानक इतनी बड़ी घटना घटित हुई कि पूरा शहर एक पल सहम सा गया था। दिन भर यह घटना आम जनों में चर्चा का विषय बनी रही। आपको बता दें कि एक दशक बाद इतनी बड़ी घटना प्रकाश में आई है, जब लुटेरों के द्वारा इतनी बड़ी लूटपाट एवं फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस घटना को ऐसे आंका जा सकता है कि मौके वारदात पर सूबे के मंत्री उमेश पटेल तक पहुंचे। ठीक उसी के बाद बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा भी रायगढ़ पहुंच चुके हैं और घटना स्थल का पूरा निरीक्षण किया। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, लगता है बदमाशों ने इसकी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। पुलिस भी इन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्लिपर 28 के लिए रायगढ़ से हिमालय मुखर्जी की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.